मेरे कॉलीग ने बनाई है, ये रिपोर्ट आप देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक पाकिस्तानी सियासतदान दो या दो से ज्यादा हलकों में बयक वक्त इलेक्शन लड़ सकता है, मगर एक पाकिस्तानी शहरी दो हलकों में वोट नहीं डाल सकता। एक शख्स जो जेल में है वोट नहीं दे सकता, मगर एक पाकिस्तानी सियासतदान जेल में होने के बावजूद इलेक्शन लड़ सकता है। एक शख्स जो कभी जेल गया हो सरकारी मुलाजमत हासिल नहीं कर सकता, मगर एक पाकिस्तानी सियासतदान कितनी बार भी जेल जा चुका हो सदर, वजीर आजम, एमपीए, एमएनए या कोई भी ओहदा हासिल कर सकता है। बैंक में एक मामूली मुलाजमत के लिए आपका ग्रेजुएट होना लाजमी है, मगर एक पाकिस्तानी सियासतदान वजीरे खजाना बन सकता है, चाहे वो अंगूठा छाप ही क्यों ना हो। फौज में एक आम सिपाही की भर्ती के लिए 10 किलोमीटर की दौड़ लगाने के साथ साथ जिस्मानी और दिमागी तौर पर चुस्त और दुरुस्त होना भी जरूरी है। अलबत्ता एक पाकिस्तानी सियासतदान अगर अनपढ़ ही क्यों ना हो, वो वजीर आजम या वजीर दिफा बनकर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सरबराहान का बॉस बन सकता है। अगर किसी सियासतदान के पूरे खानदान में कोई कभी स्कूल गया ही ना हो, तब भी ऐसा कोई कानून नहीं है जो उसे वजीरे तालीम बनने से रोक सके। और एक पाकिस्तानी सियासतदान पर अगरचे हजारों मुकदमात अदालतों में जेर इल्तवा ही क्यों ना हो, वो तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों का वजीरे दाखिला बनकर सरबराह बन सकता है। इस निजाम को बदलना चाहिए, ऐसा निजाम जहाँ पर एक आम आदमी और सियासतदान पर यकसा कानून लागू हो। पाकिस्तान की अवाम में ज्यादा से ज्यादा आगाही के लिए इस पैगाम को फैलाने की जरूरत है। हमें दर हकीकत इस निजाम को बदलने की जरूरत है। सियासतदान और आम पाकिस्तानी के लिए